प्रणाम जी आज खुशी रहो। मैं बहुत देर से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। क्या नहीं, क्या समाचार अभी मिला है कि कुछ देर पहले? मैं तो बहुत देर पहले बजा चुका था। दस मखना मखनी अभी गया और मुझे बताया कि जीजा जी आकर के हौदिया पोखर में बैठे हैं। क्यों नहीं? मैंने आवाज सुना यार, आवाज के साथ चले आए। चलो ठीक है सर। जीजा जी आप बताइए कि आपको जादवपुर की समाचार कैसा है? जादवपुर की समाचार तो बहुत अच्छा है। बताइए घाटमपुर की समाचार कैसा है? जादवपुर की समाचार भी बहुत अच्छा है। क्या नहीं? ये बताइए इसके बाद जादवपुर शहर पत्र तुम ही भेजा था ना? हाँ। तो फिर जादवपुर शहर में कोई तरह के फंक्शन का अवसर नहीं देख रहा हूँ, नहीं बाजा बज रहा है। जादवपुर में आपको मैंने पत्र इसलिए भेजा था। अच्छा। कि आज से 25 वर्ष से तो नहीं मैंने अपने जीजा और बहन का मुंह नहीं देखा था। क्यों नहीं? आज जीवन के देख लो, मेरे जीजा तुम्हारे सामने है। मुझे लालसा लगा था कि मैं अपने जीजा और बहन को किस तरीका से बुलाऊंगा। क्यों नहीं? कि मेरे पास आएगा तो जीजा जी। हाँ आप भी आ चुके हैं। क्यों नहीं यार, मेरे बहन भी आ चुकी है। हाँ मैं तो दोनों साथ ही आया था। बहन तो घर पहुंच चुकी है। अच्छा। और आपको मैंने मखना मखनी को ऑर्डर दिए थे कि उसको रोक करके हौदिया पोखर पे ही रहना। क्योंकि रह गए मेरे जीजा जी बहुत बलिष्ठ है। क्यों नहीं यार, सोना डूबी खेलने में बहुत माहिर है। क्या नहीं? अगर जीजा जी हौदिया पोखर से आ जाएगा तो एक गागो छतरी कभी हौदिया पोखर में डूबी नहीं लगा सकता है यार, तेगा नहीं सीख सकता है। तो कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ मुझे। मेरा कहना यही है कि मेरे सातों भाइयों की दिल में लालसा लगा है। अच्छा। कि थोड़ा सा आपको हाथों से मैं खंजर सीख लो यार, सोना डूबी सीख लो तो बहुत अच्छा की बात है। ए गांगो छतरी। हाँ। ए तेगा सब की बस की बात नहीं है। क्या? ये सबकी बस की बात नहीं है। अच्छा। ये तेगा सब चला सकते हैं। फिर ये सब की बात छोड़ो, आगे की काम की बात बताओ। क्या ये तेगा आपको हाथ में है? हाँ। तो ये दूसरे के हाथ में नहीं जा सकता है? नहीं, कभी चला गया तब। इसलिए कहता हूँ कि आप मुझसे बड़ा जीजा जी है। क्यों नहीं? अगर मुझे आप तेगा सिखाते हैं तो अगर किसी देश विदेश के छत्री तुम्हें बूढ़े हो जाने के बाद तुम्हारे राज में चढ़ाई कर देगा तो एक गांव में छत्री भी कभी आपको मदद दे सकते हैं। ए साले। हाँ। अगर तुम्हारे मन में ललसा है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये सबकी बस की बात तेगा चलाना नहीं है। जीजा जी कि आप कहीं सिखाने के लिए नहीं चाहते? ऐसा बात नहीं है। तो फिर परे बाबा। हाँ। आज मुझको भी लालसा का, मैं भी तेगा सीखूंगा। क्या रहे आखिर भाई किसका है? अब किया जी जा।
तुम्हारे साथ भाई का इच्छा है कि जीजा हाथ एक शस्त्र सीख लो। जान नहीं। देखो अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात सुन लो। क्या? कहीं तेगा इधर उधर बस गया, हो सकता है जान भी चला जाएगा। जान जाए या प्राण जाए वो मेरा जाएगा, आपको नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बार तेगा सिखा दीजिए। बड़े दादा तो फिर ठीक है, अगर नहीं मानते हो साला ही जीजा की बात है तो मैं तुम्हारे सातों भैयारी के एक एक हाथ तेगा सिखा देता हूँ। क्या है? चलो ठीक है, तैयार हो जाओ।